चाहे जंगल हो या समंदर, राज उसी का चलता है जो सबसे ज्यादा बलवान होते हैं। आज 21वीं सदी में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित होने के बावजूद भी समुद्र का लगभग 30% एरिया ही अनएक्सप्लोर्ड है। हम नहीं जानते समुद्र में कैसे कैसे विशालकाय दानव मौजूद है, लेकिन समुद्र के वही खोज के आधार पर समुद्र में ऐसे कई विशालकाय जीव पाए गए हैं जो असंभव लगते हैं, लेकिन सच में ऐसा विशालकाय दानव मौजूद है। इस वीडियो में हम ऐसे ही समुद्री दानवों के बारे में जानेंगे जिसमें समुद्री दानवों की हुकूमत चलती है। मेरा यकीन मानिए, इस वीडियो की आखिर में बताया गया समुद्री दानव आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ऐसा विशालकाय जीव समुद्र में क्या सचमुच मौजूद है। तो बने रहिए मेरे साथ में इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं द ग्रेट व्हाइट शार्क से। ग्रेट व्हाइट शार्क का वजन होता है 2238 किलोग्राम, जो कि लगभग 37 इंसानों की बराबर है। इनकी लंबी 6.1 मीटर की होती है, लगभग 20 फीट के बराबर। ये पानी में 56 किलोमीटर की रफ्तार से तैर सकती है। जब ये अपनी शिकार पर हमला करती है, ये अपने शिकार को अपने जेबरे में ऐसे दबाती हो कि उसका इसकी पकड़ से बाहर निकल पाना नामुमकिन हो जाती है। ये 4000 PSI दबाव के साथ अपने शिकार को अपने जेबरे में दबाती है। आपको बता दी कि इंसान की फीमर बोन 1700 PSI दबाव पर टूट जाती है, लेकिन व्हाइट शार्क 4000 PSI दबाव के साथ अपनी शिकार को चबा जाती है। लेकिन अगला समुद्री जीव तो व्हाइट शार्क से भी बड़ा होता है, वो है साउदर्न एलिफेंट सील, जिसका वजन 5000 किलोग्राम होता है, जो कि द ग्रेट शार्क से 2 गुना वजन ज्यादा होता है, और ये वजन लगभग 80 इंसानों की बराबर है। ये जीव 6.85 मीटर के होते हैं, जो कि लगभग 22.5 फीट। ये केवल अंटार्कटिका के आसपास साउदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। इससे भी तगड़ा जीव है लॉयस मैने जेलीफिश, जिसका वजन 1000 किलोग्राम होता है, जो कि लगभग 16 इंसानों की बराबर होता है। इनको देखने में ऐसा लगता नहीं इनका वजन इतना बड़ा होगा। इसकी वजन इनकी लंबाई से होती है, 37 मीटर लंबी होती है, लगभग 121.4 फीट। अगला समुद्री दानव है ग्लोसल स्क्विड, इसका वजन 750 किलोग्राम होता है, जो कि लगभग 12 इंसानों के बराबर होता है। ये 14 मीटर तक लंबी होती है और इसकी आँख हो जाएगी जानवरों में से सबसे बड़ी होती है, लगभग 40 सेंटीमीटर। जिस प्लेट में आप खाना खाती हो, लगभग उससे भी बड़ी। स्क्विड का प्राइमरी भोजन होता है पाम वेल का वजन होता है लगभग 41 टन और ये 20.5 मीटर तक लंबा होता है, लगभग 67 फीट। पाम वेल और ग्लोसल स्क्विड दोनों ही एक दूसरे का शिकार करती है। आपको एक फैक्ट बताऊं, इस पूरी धरती पर लगभग 30,60,000 पाम वेल मौजूद है और हर एक पाम वेल का खाना अपने बॉडी वेट का 3% होता है। मतलब एक पाम वेल एक दिन में 1230 किलोग्राम खाना खाती है और इसमें इसका 80% भोजन ग्लोसल स्क्विड होती है, जो कि खुद ही 750 किलोग्राम का होती है ऑन एवरेज। ग्लोसल स्क्विड और स्पाम वेल के बीच रोजाना 252,000 पेटल्स होती है, जिसका मतलब है 10,500 पेटल्स रोजाना हर एक घंटे में होती है, 175 पेटल्स हर एक मिनट और ही वेटल्स हर एक सेकेंड में गहरे समुद्र में इन दोनों योद्धाओं के बीच होती है। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आपको अब तक बताई गई समुद्री दानवों में कौन सा सबसे खतरनाक लगा, लेकिन अब मैं आपको जिस दानवों के बारे में बताने जा रहा हूँ वो आपको हिला के रख देगा। अगला समुद्री दानव है ब्लू व्हेल। ये जीव अब तक पृथ्वी पर खोजे गई सभी जानवरों में से सबसे बड़ा और सबसे भारी है। यहाँ तक आंकड़ों के अनुसार धरती के बीते हुए कल में इस पर विशाल डायनासोर भी राज कर चुके हैं। ब्लू व्हेल नामक ये दानव उनसे भी बड़ा है। इसका वजन लगभग 200 टन होता है, जो कि 3255 इंसानों की बराबर है। पृथ्वी पर राज कर चुके डायनासोर में सबसे बड़े डायनासोर का वजन था 90 टन, लेकिन अकेले इस दानव का वजन 200 टन इससे कई ज्यादा है। ये 33.6 मीटर लंबी होती है, लगभग 110 फीट। चलिए आप जानते हैं इस व्हेल के बारे में सबसे अजीबोगरीब फैक्ट्स। इसकी जीभ 2.7 टन की होती है। इसके मुंह में एक बार में 90 टन से ज्यादा खाना और पानी आ सकता है। इसका दिल 180 किलोग्राम का होता है, मतलब इसका दिल का वजन लगभग 3 इंसानों के बराबर है। मजे की बात क्या है पता है? जब इसका दिल धड़कता है तो इसकी दिल की धड़कने की आवाज
3 किलोमीटर की दूर से ही सुनाई दे सकती है। सोचो कितने जोर से धड़कता होगा इसका दिल। सबसे रोमांच बात इस व्हील की मुझे जो लगी वो है इसका ब्लड वेसल। इसकी एक ब्लड वेसल इतनी मोटी होती है कि एक बड़ा इंसान इसकी ब्लड वेसल में आसानी से तैर सकती है। ओह माय गॉड। इसके फैक्ट्स यही खत्म नहीं होते। जब ब्लू व्हेल अपने बेबी को जन्म देती है तब इसके बेबी का वजन 2700 किलोग्राम होती है और बेबी ब्लू व्हेल एक दिन में 380 लीटर दूध पीता है। जब तक बेबी ब्लू व्हेल मैच्योर नहीं हो जाती तब तक इसका हर एक दिन 90 किलोग्राम बढ़ता रहता है। मतलब एक महीने में इसका वजन 2700 किलोग्राम बढ़ जाता है। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं समुद्र बहुत बड़ा और गहरा है जिसका लगभग 90% ज़्यादा भाग अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। आपको बता दूं कि अभी तक धरती पर मौजूद सभी प्रजातियों में से 18% प्रजातियाँ को ही खोजा जा चुके हैं। कौन जानता है कि समुद्र की काली अंधेरों में ब्लू व्हेल से भी बड़ा समुद्री दानव रहता हो जिसको हम अभी तक डिस्कवरी नहीं कर पाए हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।